अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरूज मलिक। आज हमारे साथ मौजूद हैं राना आफताब साहब। आइए उनसे जानते हैं कि वो टीवी की दुनिया से, शोबिज़ से कितने मुतमईन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, बताइएगा। अरूज मलिक, टीवी की दुनिया से क्या मुतमईन होना है? ये बड़े जालिम समाज है जी। इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग एस्टैब्लिश हो चुके, यानी एक दिन में तो कोई भी एस्टैब्लिश है, आप जितने मर्जी बड़े नाम उठा के देख लें, वो बिल्कुल दर्जा बदर्जा सीढ़ियां चढ़े। अल्लाह ने जब उन्हें आपको आजकल नहीं लगता कि एक चीज अगर वायरल होती है, जैसे अगर हम बात करें कि एक लड़की ने सिर्फ अपनी एक वीडियो डाली कि पार्टी हो रही है जी। और अब माशाल्लाह वो कहाँ से कहाँ है। मेरा नहीं ख्याल कि उसने इतनी मेहनत की होगी जितनी बाकी आर्टिस्ट को करनी जी, पड़ी जी। मैं आपका सवाल था कि टीवी की दुनिया से, मैं अब टीवी की पहले बात करूंगा। टीवी जो है वो जबू हाली का शिकार है। जितने स्टूडियोज हैं, प्रोडक्शन हाउस है, अक्सरियत यानी सनम खानों में आप कह सकती हैं कि खाक उड़ रही है। उसकी वजूहत बेशुमार हो सकती हैं, लेकिन जो मेरी नज़र में, मेरे जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें ये है कि जो गरीब लोगों की बद्दुआएं, जब उनका मौशी इस्तेहसाल होता है, उनको पैसे नहीं मिलते। अगर मिलते हैं तो कोई, यानी 6 महीने, साल, 2 साल बाद मिलते हैं, तो मुझे बताइए कि वो क्या उस प्रोजेक्ट की यानी कामयाबी के लिए दुआ करेगा? कभी भी नहीं करेगा। नए लोगों के साथ बड़ा जुल्म होता है, उनके पैसे नहीं मिलते उनको। और फिर एक आप ऑनलाइन प्रोड्यूसर, एक किसी बला का नाम होता है, मुझे उसकी समझ नहीं आई, वो आपको हंट करता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और उसके बाद वो आपके पैसे खा जाता है। तो देखिए, जब तक आप छोटे अपने साथ अपने जूनियर्स को आप मिला के नहीं चलेंगे, अकेला आप हीरोइन अगर हैं या मैं अगर सीनियर आर्टिस्ट हूँ, तो पूरा ड्रामा मैं या फिल्म मैं तो नहीं स्क्रीन पे आ सकता ना जी। मैं जिस बाकी लोग चाहिए, उनके बगैर ड्रामा फिल्म मुकम्मल नहीं होती। तो उनके साथ सुबह 9 बजे बुला के शाम को कह देना जी कि जाएं आप, कल आ जाइएगा, मतलब ये इंसानियत तो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि 3-4 साल पहले LTN के ऊपर एक ड्रामा, मुझे रंग दे, शायद आपने देखा हो, हमारे एक दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट किया, इरफान साहब कोई थे जी, वो उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। पहला स्पेल खत्म हुआ, थोड़े से पैसे मिले, दूसरा फिर उसके बाद मिलने बंद हो गए। तो मैंने उससे, अपने डायरेक्टर साहब से कहा कि यार ये पैसे जब तक नहीं मिलेंगे क्यों काम कर रहे हो आप? उसने कहा नहीं आफ्ताब भाई, मैं जो कह रहा हूँ फलां दिमाग। तो ड्रामा चल गया, खत्म हो गया, मैं इत्तेफाक से LTN किसी काम से गया, तो मैंने उनसे पूछा कि यार वो इरफान साहब के पैसे उनको क्यों नहीं दे रहे चैनल वाले? उन्होंने कहा वो तो भाई कब के लेके जा चुके हुए। मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा कि भाई वो आप कहते हैं पैसे नहीं मिले, पैसे तो आप लेके जा चुके हुए हैं। तो कहते हैं जी वो जिन लोगों ने मुझसे ये ड्रामा बनवाया था, उन्होंने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया, यानी जो काम 1 रुपए का था वो 10 रुपए का हुआ, तो अपना मेरा तो नुकसान हुआ है। मैंने कहा भाई जिन लोगों के आपने पैसे देने हैं उनका क्या कसूर है? कहते मुझे जब मेरे साथ जुल्म हुआ है तो फिर मैंने भी नहीं दिए। तो मैंने कहा भाई ये पैसे तो आपने देने हैं, आज यहाँ पे नहीं दोगे, अगले जहान रोजे मैशर में आपने देने हैं, वहां देंगे ज्यादा बेहतर है कि यहाँ देंगे? उसने कहा चले फिर अगर वहां जाके बात होगी तो वहां देख लेंगे। यानी ये आलम है इस हमारी इंडस्ट्री का। तो ये सिर्फ लाहौर का हाल है कि कराची में भी यही कराची है। यानी कराची बड़ा शहर है, कराची में कुछ बेहतर है वहां पे, लेकिन एक बात है, आप किसी प्रोड्यूसर से पूछ लें कि आपको पैसे चैनल वाले ने दिए, वो हमेशा आपको एक ही बात कहेगा जी नहीं, मेरे इतने करोड़ रुपए पड़े हुए उनके पास, मुझे पैसे नहीं मिले। तो फिर मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई बेहतरी आ सकती है या अपना, आपको लगता है कि जो चंद बड़े नाम हैं जो बड़ा एक कामयाबी से काम कर रहे हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा होता है? नहीं, उनके साथ भी होता। और वो जब अपना एक प्रोडक्शन हाउस बना लेते हैं तो क्या वो भी यही करते हैं? मैं आपको बता रहा था कि उसमें मुझे रंगदे में जो 2-3 हमारी सीनियर आर्टिस्ट थी, फिल्म स्टार भी थी, तो मैंने एक दिन रिकॉर्डिंग पूछा कि भाई पैसे आपको मिल गए? कहती हाँ जी मिल गए, क्यों नहीं? मैंने कहा किस तरह? कहती हमने एक दिन उससे कहा कि भाई तूने हमें पैसे दिए हमारे, तो शाम को हम उनके घर चली गई, हमने कहा गालियां सुननी है।
उसने उसको पैसे दे दिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी इस फेज में से गुजरी हुई है, उनको पता है कि पैसे कैसे निकलवाने हैं। हाँ जी, यही बात है ना कि अब एक आदमी है वो मतलब थोड़ा अखलाकी दायरे में रहता है, अखलाकियात से मजबूर होता है ना एक आदमी, आपके एक अपनी पर्सनैलिटी भी तो होती है ना, कुछ काम आप कर सकती हैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये ड्रामे की जबू हाली जो ये है कराची में बेहतर है, कराची में पेमेंट आर्टिस्ट को होती है, रेगुलर होती है, कुछ थोड़ा बहुत कहीं ऊंच नीच हो भी जाती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कोई तरीका कार नहीं है। तो मेरी नज़र में ये जो ड्रामा लाहौर में बंद हुआ इसकी बुनियादी वजह बदनीति है, हर आदमी दूसरे को काट रहा है तो उसमें बरकत नहीं पड़ती। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स, आपने देखा कि कितनी हमें इंफॉर्मेटिव बात मिली है कि जो हम लोग ये गिला करते रहते हैं हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं कि ये मसले हो गए वो मसले हो गए, लेकिन बात सारी नियत की है। अगर हम फरमान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मजदूर क्या पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसकी उजरत दी जाए, लेकिन यहाँ पर सालों अगर लटकाया जाएगा जो एक मजदूरी करने की नीयत से आया है, शायद उसका और कोई रोजगार ना हो और यही उसके लिए एक रोजी रोटी उसके बच्चों की हो, तो थोड़ा सा अपनी नीयत को भी ठीक करें, दिल बड़ा करें ताकि इसमें खैर बरकत। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।